उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के करहल में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का एक बड़ा बयान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मंथन करने वाले हैं। बूथवार हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम अपनी निजी योजना बनाएंगे। वहीं बांग्लादेश की घटना को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने एक बड़ा बयान दिया है। सपा के गढ़ कहे जाने वाले करहल विधानसभा पर बोले डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, क्या आप जानते हो कि गढ़ सारे समाप्त हो चुके हैं, अब जनता का ही गढ़ रहता है। जनता जिसे चुनकर भेजेगी वही जीत कर जाएगा। करहल विधानसभा चुनाव की आज कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठक कर रहे हैं, वार्ता करेंगे और अपने स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की है। जिलाधिकारी से भी बात की है कि डेवलपमेंट की योजनाओं को जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो पूरी तरह से बड़े प्रोजेक्ट समयबद्ध ढंग से अस्पताल में दवाइयां भी उपलब्ध कराएं और जमीनी स्तर पर कार्य करें। वहीं अस्पताल में आए हुए मरीजों को भगवान मान करके सेवा करने का निर्देश डॉक्टरों को दिया है। करहल विधानसभा उपचुनाव की आज कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठ करके बात करेंगे। हमने अपने स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की है, जिलाधिकारी से भी बात किया है कि यहाँ के डेवलपमेंट की जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो शीघ्र से शीघ्र पूरी हों, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको तत्काल हम समयबद्ध ढंग से पूरा करें, अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध हों, बाहर से दवाई बिल्कुल न लिखी जाए और हर स्थिति में अस्पताल में आए मरीज की हम भगवान मान करके सेवा करें, ऐसा हमने निर्देश आज सभी अपने तक। आपको मिली है, क्या रणनीति रहेगी जीत की? देखिए, करहल का विधानसभा का जो उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके मंथन करने वाले हैं, बूथवार हम लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। पहली बार आप आए थे तो ये आपने आश्वासन दिया था कि लखनऊ पहुंचने के बाद एक सप्ताह के अंदर कैंसर यूनिट प्रारंभ होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, ताला लगा हुआ है। आज हमने बात किया है, आप वेट करिए। सर अभी लोकसभा, देखिए बहुत ही दुखद है और चूंकि मामला केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है उच्च स्तर पर इसमें हो रहा है। सर अभी लोकसभा चुनाव हुआ, 444 बूथ थे करहल में, हमारा गढ़ है जी, गढ़ सारे समाप्त हो चुके हैं। देश की आजादी के बाद अब जनता का ही गढ़ होता है, जनता जिसे आशीर्वाद देगी वो चुन करके जाए। डिप्टी सीएम सर, कुछ चुपते हुए सवाल हैं, 444 के यहाँ करहल में बूथ थे, 179 पर यहाँ, थोड़ा इंतजार करो, अभी तो घोषित नहीं हुआ, धीरे धीरे सब बताएंगे, धीरे धीरे सब बताएंगे। और